गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो आज का जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, मैं 10 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो छत पे आ रखी थी, छत में थोड़ा कुछ काम था, तो मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो जो भी कुछ होगा आपके साथ, वो रेसिपी वगैरह जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कोकोपीट भिगाया था एक बाल्टी में, तो उसमें ज़्यादा पानी हो गया था, तो ये मैंने फर्श पर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मतलब सूख जाए, जैसे ड्राई हो जाए थोड़ा सा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैंने गमले बनाए थे इनके लिए, बिगाया था, पूरी किट थी ना कोकोपीट की, और मिट्टी खाद वगैरह मिला के गमले बनाए थे मैंने, कितने सारे बनाए थे, ये भी बनाया था इधर इधर, ये सारे बड़े गमले, इसमें भी मैंने दोबारा मिट्टी और खाद डाल के बनाया ये। तो इसको मैं इस टब में उठा लेती हूँ ताकि हमारा ये कोकोपीट खराब ना हो। तो यहाँ पर मैंने टब पे उठा लिया ताकि इसी में अच्छे से सूख जाए, फिर मैं इसका यूज करूँगी। और एक चीज़ दिखाऊंगी गाइस आपको, देखो इसमें फूल आ गया है। मैं सोच रही इसमें फूल आएंगे नहीं आएंगे, पर इसमें एक फूल आ गया। कितना सुंदर लग रहा है, और तितली भी आई है, गई थी तितली, बटरफ्लाई। तो ये मेरा प्यारा सा फूल, इसमें और भी आएंगे। मैं कपड़े धो दिए हैं, कपड़े डालने जा रहे हैं, मैं ऐसे वहाँ छत पे जा रहे हैं, उन्हें बुल्ली का कंबल लेके जा रहा है। दादू नहीं आओ ऊपर, दादू तो ड्यूटी गए, दादू ड्यूटी गए। कौन है? बाल्टी ला रही हूँ मैं, है? मैं बाल्टी लेके आ रही हूँ ना। खुल गया गेट, तो यहाँ पे गाड़ी चलाएगा। उस दिन से गाड़ी में पेंट कर दिया सारा लाल कलर, खराब कर दी गाड़ी। चल नीचे, आप कपड़े डाल दिए सारे, मम्मा के पास तू दो। यस, यहाँ पे रुको, ताला लगा लो। यहाँ पे दीपू आ गए स्कूल से, तो बनेगा खाना दिन का। कैसा रहा, सहेली आई थी तेरी है? तो गए, आज मैंने बनाए थे छोले, सफ़ेद छोले सुबह, तो अब बनाएंगे दिन में इसके साथ पूरी। तो मैं आटा गूंद लेती पहले। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें डालूंगी मैं एक कटोरी सूजी, इसे सूजी इसे हमारी जो पूरी है बहुत अच्छी बनती है टेस्ट में, क्रंची। और थोड़ा डालूंगी कसूरी मेथी और नमक, नमक डाल देंगे और अजवाइन, उसका आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, इसको 10 मिनट रेस्ट पर रखेंगे, रेस्ट कर लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से मसल मसल के गूंदूंगी, फिर बनाएंगे पूरी। साथ में तेल हो रहा है गरम, तो ये मुलायम कर दिया मैंने गूंद के, अब बनाएंगे पूरियाँ। तो यहाँ पे तेल हो गया है गरम, तो
मैंने सुबह के छोले बनाए थे, वही खा रहे हैं हम पूरी के साथ। तो बहुत ही टेस्टी बने थे, सुबह ड्यूटी के लिए बनाए थे मैंने। बस खाते हैं दिन का खाना। यहाँ पे बन गई हैं पूरियाँ और सब्जी रख दी तीनों के लिए। तो करते हैं दिन का लंच। मैं नींबू का रस डाल के खा रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये। तो ड्यूटी वाले ड्यूटी से आ गए हैं, बना रहे हैं उनके लिए चाय। चाय हमेशा ब्लैक टी ही पीते हैं। अदरक तुलसी और लौंग डाल के, थोड़ी सी चावल डाल के उबाल के बस गुड़ के साथ यही पीते और खाते हैं साथ में ये मारी बॉल बिस्किट। तो ये ब्लैक टी और मारीगार्ड बिस्कुट और साथ में गुड़। तो चलो शाम की चाय पीते हैं सब। मेरे को भी दे जूस, दे दे थोड़ा सा। सारा जूस पी लिया, देखना सिवान ने दादी को भी नहीं दिया। दे दो, दे दो दूसरा जूस। दूसरा कहाँ से आएगा, ये तो दादू लाए ना। कौन सा वाला? यम यम। पापा लाएंगे? पता नहीं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं रामायण, हमारे हस्बैंड जी ने लगाया। सब्जी कुछ नहीं है घर में, तो मैं जा रही सब्जी लेने के। सब्जी रात के सब्जी बनाने के लिए भी नहीं था। अभी आलू प्याज टमाटर बहुत जरूरी है, वो भी नहीं है। तो मैं लेके आ रही हूँ और जल्दी को पढ़ाई कर। अब मैं जा रही हूँ खाना पीना। यहाँ पे गुड़िया उड़ गई है, शिवांश कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई। अच्छे से कर पढ़ाई। साइकिल ये देख रही है अपने भैया को। तो यहाँ पे मैं सब्जी लेके आ गई हूँ, आटे के गोलगप्पे। बहुत मन कर रहा था। बनाए हैं आलू मूली की थिचौनी और चावल। मैं आटे के गोलगप्पे लाई हूँ और समू ने हाथ मारा ऐसे पचक पचक पन्नी में, तो कुछ टूट गए। यह है चटपटा स्पाइसी पानी, अरे आलू की फिलिंग, मसाला, मीठी चटनी। तो ये गैस जिससे मैं गोलगप्पे लाई हूँ उस पर इतनी भीड़ लगी रहती कि लाइन लगी रहती आटे के। बहुत टेस्टी गोलगप्पे। अभी भर देना सब में, भर दे तब खाएंगे। प्याज हो किसकी डंडी? पुदीना। अच्छा होता खा। आलू चटनी है, चटनी है आलू। आलू चलो बेटा आप खाओ, मम्मा को खिलाएगा। मम्मा का बेटा, मम्मा का मगरमच्छ। नहीं इतना कड़क है वो। ये टूटा, वो थोड़े टूटा, दांत थोड़े टूटा। खाओ 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 खाओ, नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे दांत। खाओ, हाँ नहीं टूटेंगे। वो तो ऐसे ही होता, आवाज आती हो तो कटड़ा। वो तो ऐसी आवाज आ जाती है कटड़ा। और भी गोलगप्पे सब में एक में भर देगी सारा।
मुझे हटा दो। आलू कच्चा आलू बेटा कहाँ गए थे? जाओ मैं गोलगप्पे वाले अंकल दो। इसको पसंद नहीं आ रहा, इसको इसको प्याज हटा देते। आलू है खाओ। तूने खा लिया? आपने खाया आलू को? चलो आप खा लो। पापड़ी के लिए बोल रही है, पापड़ी के लिए तो दुकान में मिलते, घर में थोड़ी मिलती है। तो क्या बात है, मोटा पेट सड़क पे लेट, गाड़ी आए पड़ी है पेट। खा ले बहुत कट कट के। नहीं उसके ना दांत में लगा, तोड़ के पत्ते हैं वो, पत्ते लीव्स। क्या लीव्स? क्या है लीव्स? क्या बाल पे मत छेड़ो। देख मामा क्या कर रहे, देख फूल। तो कटोरे लेके आ गए। कैसे पानी हो रहा है? चटपटा चटपटा पानी ज्यादा मर लेना तो ठीक है, पत्र गले में सही हो जाएगा। यम्मी यम्मी यम्मी। अब खाओ बना के। तो ये पक्के गोलगप्पे वाली बन गई, देखो ये गोलगप्पा आटे के लिए। ये वाला खाओ, ये वाला आपके लिए वाला। चले गाइस आप भी खाइए। चटनी भी डालूंगा मम्मा, इसको चटनी भी डालूंगा बस। तो यहाँ पे मैं मिर्ची लाई थी हरी, मैंने उनके डंठल तोड़ के धो के थोड़ा कपड़े से पोंछ के ये रख दिए हैं, फ्रिज में रख देंगे। और ये मेरा बहुत, तो ये मेरा बहुत पुराना डिब्बा है, फिर मिठाई उठाई आई थी इसमें, तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैं मिर्च धो के इसके डंठल तोड़ के और रख देती हूँ, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। मतलब जैसे अभी लाई तो एक हफ्ते से ज़्यादा फ्रेश रहेंगे, ऐसे बिल्कुल ताज़ी। और यहाँ पे कर दिया है मैंने पालक साफ, क्योंकि पालक अंदर से गीला होता है तो फिर ख़राब हो जाता है जल्दी, तो मैं इसको साफ़ करके तब बनाएंगे। इसका साग बनाते हैं, ये सब्ज़ी बनाते हैं, देखते हैं।